नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन टीवी न्यूज में। मैं हूं सिमरन शुक्ला। आइए रुख करेंगे आज की प्रमुख खबरों की ओर। लखनऊ में पूर्व मंत्री व बसपा नेता अंबिका चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वह वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वहीं थोड़ी देर बाद ही उनके पिता अंबिका चौधरी ने भी बसपा छोड़ दी। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बलिया के कदावर नेता अंबिका चौधरी का अब बहुजन समाज पार्टी में दम घुटने लगा है। वह अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में वापसी तय है। बेटे के समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित होते ही अंबिका चौधरी को अपने कद का पता चला है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देश में पिछले साल आई कोरोना की लहर ने खासा नुकसान पहुंचाया था, वहीं इस साल कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इस सब के बीच देश में तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है और इसे खासा भयानक और बेहद तीव्र बताया जा रहा है। इसे लेकर सरकार भी संजीदा है और इससे निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद बच्चे ज्यादा आएंगे। वहीं राजस्थान के दौसा में करीब 341 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी समारोह के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो पूरे इलाके में सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल जयमाला के बाद एक दूल्हा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया तो शादी समारोह में हड़कंप मच गई। काफी खोजबीन के बाद जब दूल्हे का पता नहीं चला तो दुल्हन ने बारातियों में से आए एक लड़के से ही शादी कर ली। उत्तर प्रदेश के आगरा में सेना और एनडीआरएफ ने बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे शिवा को सुरक्षित निकाल लिया है। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदकर सुरंग बनाई गई। 100 फीट की दूरी पर दूसरा गड्ढा खोदकर बच्चे को रेस्क्यू किया गया। ये घटना आगरा के निबोहरा क्षेत्र के एक गांव की है। बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय बच्चे को एनडीआरएफ और सेना के संयुक्त प्रयास से सकुशल निकाल लिया गया। लक्षद्वीप के राज्यपाल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर देशद्रोह के आरोप का सामना कर रही फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना रविवार को पुलिस के सामने पेश होंगी। मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुल्ताना की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसे 20 जून को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेशन टीवी न्यूज के साथ।